शम्मी कपूर जी के अभिनय, अदाकारी और अंदाज और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के संयोजन ने लगभग 3 दशकों से हम सिनेमा प्रेमियों को भरपूर आनंद दिया और इन दोनों किंवदंतियों के बीच संबंध के बारे में कई दिलचस्प किस्से हैं। शम्मी कपूर साहब के साथ कुछ हसीन यादें भी मोहम्मद रफ़ी साहब के ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। उनके ज़िंदगी में तो ऐसे यादों का खजाना है जिसके बारे में हम लोग इस चैनल में अलग अलग वीडियो पे चर्चा ज़रूर करेंगे। एक बार फिल्म कश्मीर की कली का गाना रिकॉर्ड करने में रफ़ी साहब मसरूफ थे। शम्मी कपूर जी इस फिल्म के हीरो थे। एक दिन वो अचानक रिकॉर्डिंग रूम में हाजिर हो गए और बड़े मासूमियत भरे लहजे में रफ़ी साहब को बोले, रफ़ी जी ये गाना मैं पर्दे पे ज़रा उछल कूद करके गाना चाहता हूँ, आप गायकी के अंदाज में थोड़ा उछल कूद का लहजा भर दीजिए। और ये कहते हुए वो बिल्कुल टिपिकल शम्मी कपूर स्टाइल से ही रफ़ी साहब के सामने उछल कूद करने लगे। रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर साहब के बात को अहमियत दी और हालांकि ये गाना थोड़ा कवाली स्टाइल का था उसमें रफ़ी साहब थोड़ा और चुलबुलापन भर दिए। वो गाने का बोल था, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा हाय ये मस्तानी अदा, खुदा महफूज रखे हर बला से हर बला से। ये गाना शक्ति सामंत जी भी बहुत बढ़िया तरह से पिक्चराइज किए थे और शम्मी कपूर साहब की अदाकारी, मोहम्मद रफ़ी साहब के गायकी और शक्ति सामंत के निर्देशन ने इस गाने को एक कल्ट गाना बना दिया। फिल्म के हिट होने के पीछे कश्मीर की कली के सारे गाने का बहुत ही अहमियत था। किसी भी फनकार के लिए गाने के मुनासिबत से अपना मूड बदलना बहुत ही दुश्वार अमल होता है। वैसे गाने के बोल से ही पता चल जाता है कि गाना किस मूड का है। फिर डायरेक्टर भी पूरा सीन समझा देता है जिससे गाने में आसानी होता है गायक को। कुछ गानों में फनकार की अपनी भी दिलचस्पी होती है, फिर उस गीत का एक एक लफ्ज़ दिल की गहराइयों से छूकर निकलता है। जैसे फिल्म नीलकमल का एक गीत था, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। जब रफ़ी साहब ये गाना रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो चश्मे तसव्वुर, मतलब जिसको कल्पना दृष्टि बोलते हैं, उसमें वो अपने बेटी की शादी जो 2 दिन बाद होने वाली थी उसका सारा मंजर देख रहे थे, वो इमेजिन कर रहे थे। रफ़ी साहब उन्हीं लम्हों के जज्बात के रो में बह गए, कैसे उनकी बेटी डोली में बैठकर उनसे जुदा हो रही है और आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। उसी कैफियत में द लेजेंड मोहम्मद रफ़ी ये गाना रिकॉर्डिंग कर दिए। इसके बारे में रफ़ी साहब बोले थे कि मैंने इस गाने में रोने की एक्टिंग नहीं की थी, हकीकतन आंसू मेरे दिल की पुकार बनकर आवाज़ के साए में ढल कर आ गए हैं। सैल्यूट मोहम्मद रफ़ी।